इंटर का जो सत्र है और प्रशिक्षण का जो सत्र है, दोनों का एक वर्ष ऐसे कि टैली करता है कि कोई व्यक्ति एक समय में एक ही संस्थान में रह सकता है या दोनों संस्थान में रह सकता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। भागलपुर में इन दिनों अजीब खेल चल रहा है जिला शिक्षा पदाधिकारी और टीचरों के बीच। इन दिनों तूतू में मेगा खेल चल रहा है। जिले के दो टीचर ने डीईओ पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ऐसा नहीं करने पर नौकरी खा जाने की धमकी देने की भी बातें कही है। वही आरोपों के बाद डीईओ तिलमिला गए हैं। उन्होंने भी दोनों टीचर की कुंडली निकाल कर रख दी है। ये बताया गया कि शोभनाथ दास और निवास चंद्र, शोभनाथ दास और निवास चंद्र के संदर्भ में जब उनके डॉक्यूमेंट्स का हम लोगों ने जांच किया तो शोभनाथ इंटर 1988 नब्बे में किए हैं और प्रशिक्षण 1989-91 किए हैं। उसी तरह निवास चंद्र इंटर किए हैं 1988 नब्बे में और प्रशिक्षण किया है उन्होंने 89-91 में। ये दोनों मैट्रिक और इंटर दो वर्षीय सत्र में संचालित होता है, तो दोनों का एक सत्र, इंटर का जो सत्र है और प्रशिक्षण का जो सत्र है, दोनों का एक वर्ष ऐसे कि टैली करता है। मुझे ये जानना है आप लोगों के माध्यम से कि कोई व्यक्ति एक समय में एक ही संस्थान में रह सकता है या दोनों संस्थान में रह सकता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इस तरह के मामले में विभाग के वरीय पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर ऐसे के दावे को खारिज किया गया है। मैं वो भी आपको ऐसे दे दे रहा हूँ ताकि आप वस्तु स्थिति से खुद भी भीगे हो जाए और ऐसे कि जो मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं या जो षड्यंत्र बुने जा रहे हैं आपके माध्यम से उस आरोप का खंडन हो सके, षड्यंत्र का उद्भेदन हो सके। हालांकि इस मामले में हमने टीचर से भी फिर से राय लेने की कोशिश की लेकिन उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो सका। वहीं दूसरे अधिकारी और टीचर भी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बताया कि ये आपसी झगड़ा लग रहा है लेकिन जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। हालांकि दो तरफा हो रहे इस झगड़े से फिलहाल लोग मजा जरूर लेते दिख रहे हैं। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इंटर का जो सत्र है और प्रशिक्षण का जो सत्र है, दोनों का एक वर्ष ऐसे कि टैली करता है कि कोई व्यक्ति एक समय में एक ही संस्थान में रह सकता है या दोनों संस्थान में रह सकता है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है।